हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सखा आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास सेवन्थ इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनी कॉम की सिक्सथ पोयम जिसका नाम है मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन इस वीडियो में हम पोयम की समरी टेक्सटल क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे पिछली वीडियो में मैंने आपको लेसन सिक्सथ एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की समरी टेक्सचअल क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवाए थे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मैंने अपने चैनल की प्ले लिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम पोएम की समरी करेंगे Synopsis of Mystery of the Talking Fan the poem draws our attention towards the mundane things around us that go unnoticed on the regular days of our lives the poetess here had addressing a ceiling fan that might look be hanging in her bedroom or home making noise due to a rusted motor in the body of the fan अब हम करेंगे इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन क्वेश्चन वन फैंस डोंट टॉक बट इट इज़ पॉसिबल टू इमेजिन दैट दे डू वट इज दैट दैन दैट साउंड लाइक द फैंस चैटर इसका आंसर है द नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय द फैंस मोटर विद लेस ऑयल साउंड लाइक द फैंस चैटर क्वेश्चन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज फर्स्ट द चैटर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज डैश इसका आंसर है The chatter is electrical because the noise is being produced by the electric motor of the fan. Second, it is mysterious too because Second, is ka answer hai. It is mysterious because we cannot understand what the fan is speaking. क्वेश्चन थ्री वट डू यू थिंक द टॉकिंग फैन वॉज डिमांडिंग इसका आंसर है द टॉकिंग फैन वॉज डिमांडिंग सम ऑयल इट वॉज सीकिंग द अटेंशन ऑफ द पीपल एट होम टू पुट ऑयल इन टू द मोटर्स वंस इट गेट ऑयलिंग इट बिकम साइलेंट क्वेश्चन फोर हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फैन मैनेज टू थ्रो सो मच एयर वैन इट इज स्विच ऑन इसका आंसर है an electric fan manages to throw as much air when it is switched on as it has electric motor which rotates and makes the three blades of the fan move round and round at a specified speed question fifth is there a talking fan in your house create a dialogue between the fan and the mechanic iska answer hai mechanic hey i just realized that you are a talking fan fan oh thank god yes i do talk it's just that people doesn't listen mechanic all right so tell me what's the matter fan i need some oiling my motor is struggling to rotate mechanic oh i will put oil in the motor now fan thank you so much we hum objective type questions क्वेश्चन वन द फैन हैड अ वियर्ड लैंग्वेज ऑप्शन ए मकैनिकल लैंग्वेज ऑप्शन बी केमिकल लैंग्वेज ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज इसका आंसर है ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज क्वेश्चन टू द फ्रेज टॉकिंग फैन इज अ ऑप्शन ए वर्बल फ्रेज ऑप्शन बी फ्रेज ऑप्शन सी वर्ब ऑप्शन डी पार्टिसिपल इसका आंसर है ऑप्शन ए वर्बल फ्रेज क्वेश्चन थ्री द लैंग्वेज ऑफ द फैन वॉज फर्स्ट ऑप्शन ए अ मिस्ट्री ऑप्शन बी अफैक्ट ऑप्शन सी अ स्टोरी ऑप्शन डी अ टेल इसका आंसर है ऑप्शन ए अ मिस्ट्री क्वेश्चन फोर द मिस्ट्री ऑफ द फैन वॉज सून ऑप्शन ए सम्बड़ी ब्रोकिट ऑप्शन बी समी ऑयल्ड इट्स मोटर ऑप्शन सी सम्बड़ी केयरड इट अवे ऑप्शन डी इट वॉज डिस्कारड इसका आंसर है option b somebody oiled its motor question 5 the word whirling means option a adding option b encircling option c rotating option d whirled iska answer hai option c rotating question 6 if the electric current is stopped option a the chatter will begin option b the fans chatter will stop option c पीपल विल फेस प्रॉब्लम ऑप्शन डी बोथ ए एंड आंसर है ऑप्शन बी द फैंस क्वेश्चन सेवन दैटर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिकलीप्शन बी इट इज इलेक्ट्रिकल ऑप्शन सी कॉन्ट बी अंडरस्टूड ऑप्शन डी इट टॉक्स विद द फास्ट पीस इसका आंसर है ऑप्शन बी इट इज इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन एट द टॉकडिंग ऑप्शन ए ऑयलिंग ऑप्शन बी कन्वर्सेशन ऑप्शन सी अटेंशन डी फ्रेंड्सर ऑप्शन ए ऑयलिंग क्वेश्चन नाइन वाई डेड द टॉकिंग फैन चैटर कम टू एन एंड इसका आंसर है समबड़ी रिपेयर द मोटर ऑप्शन बी द पॉइट आज डेम टू शर्टअप ऑप्शन सी द फैन फील ऑन द ग्राउंड ऑप्शन डी द पॉइट लेफ्ट द हाउस इसका आंसर है ऑप्शन ए समबडी रिपेयर द मोटर क्वेश्चन टेन वट डज रिलिंग मीन ऑप्शन ए गार्गलिंग ऑप्शन बी काम ऑप्शन सी स्विफ्ट ऑप्शन डी स्लो इसका आंसर है ऑप्शन बी काम तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है अगली वीडियो में मैं आपको लेसन सेवन द इन्वेंशन ऑफ वीटावोंग करवाऊंगी तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू